नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि मई महीने में जनवरी जैसी ठंड? जी हां दोस्तों, वो भी बर्फबारी के साथ। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल बुलेटिन, स्पेशल ट्रेवल न्यूज जो की हिमाचल प्रदेश की है और ताजा है। जो लोग अभी हिमाचल प्रदेश की तरफ गर्मियों के लिए छुट्टियां बिताने आ रहे थे टूरिस्ट के तौर पर, उनके लिए खुशखबरी भी है और बहुत बड़ी खबर भी है। वीडियो को स्किप करे बगैर पूरी देखिए और वीडियो को अपने सगे संबंधी और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल दी है। मई में दिसंबर का एहसास हो रहा है। लोग बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। हिमाचल में अब एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी के चलते ठंड लौट आई है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है दोस्तों कि अप्रैल और मई माह में इतनी ठंड हो। शिमला जिले की हम बात करें तो सर्दियां भले ही अपना प्रचंड रूप नहीं दिखा पाई हो, लेकिन पिछले काफी समय से हो रही बारिश ने गर्मियों के मौसम में भी सर्दियों का एहसास करवा दिया है। आलम यह है कि इन बारिश ने मौसम काफी ठंडा हो गया है और शिमला जिले में अप्रैल और मई में अगर हम पारे की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो करीब 28 से 30 तक आ जाता था और इससे ऊपर भी चला जाता था, लेकिन मई महीने में वही टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री के बीच थम गया है। अगर हम बात करें शिमला जिले में, तो जहां लोगों ने गर्म कपड़ों को अंदर रख दिया था, वहां उसको बाहर निकालने के लिए मजबूर हो गए हैं और हीटर और अलाव जलाकर अपनी ठंड को दूर भगा रहे हैं। बरसात के कारण अधिकतर लोग घरों में ही रहना उचित समझ रहे हैं, जिससे कि बाजारों में भी ग्राहकों की और टूरिस्टों की रौनक कम दिखाई दे रही है। अगर आप लोग भी पर्यटन के तौर पर मनाली, शिमला, डलहौजी या हिमाचल की तरफ कहीं पर भी रुक करना चाह रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ लाएं। इस समय आपको मिलने वाली है मई महीने में मनाली में बर्फ। जी हां दोस्तों, अभी अभी की ताजा जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मनाली के अटल टनल पर भारी बर्फबारी, हैवी स्नोफॉल अभी एक घंटे पहले शुरू हो चुका है और अटल टनल से वाहनों की आने जाने की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। बर्फबारी से शिंकुला दर्रे के बंद होने से लाहौल के दारचा में करीब 250 कामगार फंस गए हैं। यह सभी बीआरओ के मजदूर हैं और लद्दाख के जास्कर में जा रहे थे। वहीं कुल्लू की बात करें तो कुल्लू जिले में भी रात से भारी बारिश हो रही है और हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 15 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा दोस्तों, शिमला की अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अभी भी 10 से 12 का टेम्परेचर है और पिछले रात से कंटिन्यू बारिश चल रही है। झमाझम काफी तेज बारिश है और बारिश तो चलिए चल जाती है, लेकिन इसके साथ जो ठंड का दौर है वो दोबारा से आपको दिसंबर और जनवरी वाली ठंड देखने के लिए मिलेगी। अगर आप लोग मई महीने में बर्फबारी देखना चाहते हैं तो आप मनाली की तरफ जाएं, अटल टनल की तरफ जाएं, वहां पर आपको लाइव स्नोफॉल देखने के लिए और पड़ा हुआ स्नोफॉल तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो ये है इस समय लेटेस्ट स्नोफॉल और बर्फबारी और बारिश वेदर हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट। अगर आप लोग भी हिमाचल की तरफ आ रहे हैं तो आप हमें कॉल करके वेदर के बारे में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और आप अपना होटल या गाड़ी भी बुक करा सकते हैं। तो देखते रहिए ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं घूमो जी भर के।